हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और टेस्ट करने वाला हूँ लाइव टेक योमैन वायरलेस गेम पैड। गाइस, आप में से काफी ज्यादा लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बोल रहे थे कि एक अच्छा वाला वायरलेस गेम पैड लाने के लिए जो कि मोबाइल, टीवी और पीसी के लिए कंपैटिबल हो। तो दोस्तों, ये है ऑल इन वन वायरलेस गेम पैड। ये जो गेम पैड है एंड्रॉयड मोबाइल से कंपैटिबल है, iOS से कंपैटिबल है, PS3, PS4, PS5 से भी कंपैटिबल है और यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड टीवी से भी कंपैटिबल है और विंडोज पीसी से भी कंपैटिबल है। तो इस तरफ इसके सारे स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं, यहाँ पे देख सकते हो इसकी कंपैटिबिलिटी लिखी है और इसके अंदर डुअल शॉक वाइब्रेशन मोटर्स भी लगाई गई है। वायरलेस ब्लूटूथ वर्जन 4.2 है इसके अंदर। 400 mAh बैटरी है। इसका चार्ज टाइम है 1 आवर, यानी कि आप अगर इस गेम पैड को 1 आवर तक चार्ज करते हो तो आप इसे कंटिन्यूस 20 आवर्स तक गेम प्ले कर सकते हो। मोबाइल क्लैंप भी लगा हुआ है इसके अंदर, एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल क्लैंप है। ये जो गेम पैड है 6 इंचेस तक का स्मार्टफोन होल्ड कर सकता है। यहाँ पे है इसका वेट 217 ग्राम इसका वेट है। एर्गोनॉमिक डिजाइन है, एंटी स्लिप एंटी स्क्रैच मटेरियल भी यूज किया गया है। बॉक्स के पीछे देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है इसका प्राइस 2499 पर। गाइस, इसका प्राइस इतना ज्यादा नहीं है, मैं आपको अभी इसका प्राइस बता देता हूँ। ये देख सकते हो, ये रहा अमेजोन, इसे मैंने खरीदा था अमेजोन से। इसका प्राइस है 1359 रुपीज। आप अगर इसे खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों मैंने, वहां से जाकर आप इसे खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग और करके देखते हैं इसकी टेस्टिंग, ये मोबाइल में किस तरह से काम करता है और पीसी में किस तरह से काम करता है। तो शायद मैं टीवी में तो नहीं बता पाऊंगा गाइस, मोबाइल और मेरे पीसी को कनेक्ट करके ये गेम पैड मैं आपको जरूर से दिखा दूंगा। तो इसके साथ हमें मिलता है एक गेम पैड, एक नैनो ब्लूटूथ रिसीवर जो कि पीसी या फिर हम टीवी में भी लगाकर कनेक्ट कर सकते हैं इस गेम पैड को, और एक चार्जिंग केबल। तो इसके साथ एक यूजर गाइड भी मिलती है, वो मेरे से खो चुकी है गाइस। इसे मैंने शायद 1 मंथ पहले खरीदा था। गेम पैड को मैं ऑलरेडी 1 मंथ से यूज कर रहा हूँ गाइस, मुझे तो गेम पैड काफी अच्छा लगा, पर इसके अंदर थोड़ी कमियां भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गेम पैड की क्वालिटी कैसी है ये बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, आप अपना मोबाइल अटैच कर सकते हो। यहाँ पर एक मोबाइल होल्डर दिया गया है और यहाँ पे लिखा है लाइव टेक बोलकर। यहाँ पे है इसको ऑन ऑफ वाला स्विच, यहाँ से आप इसे चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो XY AB के बटन से स्टार्ट है, सेलेक्ट है। यह है इसकी जॉयस्टिक, इसके जॉयस्टिक की क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी थी गाइस। यहाँ पे भी एक जॉयस्टिक है, D-pad बटन है, ये होम वाला बटन है और यहाँ पे क्लासिक ट्रिगर्स दिए गए हैं, LT RT ट्रिगर है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इन ट्रिगर्स की। और यहाँ पे भी 2 ट्रिगर्स है। ये 2 बटन छोड़कर मुझे ओवरऑल इन सारे बटन्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी गाइस। और ये जो सारा का सारा गेम पैड है प्लास्टिक से बना हुआ है, यहाँ पे रबर वाली ग्रिप बिल्कुल भी नहीं दी गई है और इसका वेट भी काफी ज्यादा लगा मुझे। तो चलो दोस्तों, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसे मोबाइल से किस तरह से कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसे यहाँ से ऑन कर लेते हैं, ये ऑन कर दिया मैंने। ऑन करने के बाद आपको होम बटन पकड़ना है और ए वाला बटन पकड़ना है इस तरह से। जैसे ही आप प्रेस करते हो यहाँ पे देख सकते हो एक लाइट ब्लिंक होने लगी है। अभी मैं आपको मेरा मोबाइल में भी बता देता हूँ गाइस। तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ में जाना है। ब्लूटूथ में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा योमैन कनेक्टेड बोल के। जैसे ही वायरलेस गेम पैड हमारे मोबाइल से कनेक्ट होता है ये लाइट स्टेबल हो जाती है। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो गाइस ये जो लाइट है ब्लिंक होना स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड है, इसीलिए जो लाइट है स्टेबल दिखाई दे रही है। तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ इसका सेकंड स्टेप। इसका सेकंड स्टेप है प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाएंगे हम। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे शूटिंग V3 बोलकर। तो ये ऐप आपको कंपल्सरी डालना है गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो शूटिंग प्लस V3 ऐप आ चुका है। ये ऐप को मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है मेरे मोबाइल में। तो यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ मैं। जैसे ही आप ये ऐप के अंदर आते हो यहाँ पे आपको जितने भी कंपैटिबल गेम्स है सारे के सारे दिखाई देंगे। अगर आपकी जो कंपैटिबल गेम है इसके अंदर नहीं दिखाई दे रही तो यहाँ से जाकर आप उस गेम को ऐड भी कर सकते हो। तो मैं आपको ऐड भी करके बताता हूँ। इसके अंदर फ्री फायर ऐड प्रीसेट है। तो इसके अंदर फ्री फायर यहाँ पे देख सकते हो ऐड टू करना है हमें। जैसे हम ऐड टू करते हैं यहाँ पे फ्री फायर दिखाई दे रही है। तो गेम के अंदर चलते हैं, यहाँ पे करना है अभी हमें एडिट प्रीसेट। तो सारे के सारे बटन्स किस तरह से प्रीसेट करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा गाइस। तो ओके कर देते हैं।
तो गेम के अंदर मैं ऑलरेडी था गाइस, तो हमारे मोबाइल को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ मैं। इस तरह से अटैच हो चुका है हमारा मोबाइल। तो गाइस अभी आपको यहाँ पे बटन सेट करना है। तो गेम के अंदर ऑलरेडी मैंने बटन सारे के सारे सेट करके रखे हुए गाइस, मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो देख सकते हो मैं इस गेम पैड से कंट्रोल कर रहा हूँ इस गेम को। तो बटन सेट करने के लिए हमें यहाँ पे देख सकते हो ये ऐप यहाँ पे फ्लोट करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जाना है हमें। तो अभी मैं कोई एक बटन सेट करके आपको बताता हूँ। तो मान लो ये बी वाला बटन मुझे सेट करना है, तो ये जो बी है हमें जहाँ पर रखना है वहाँ पर लाकर इस तरह से छोड़ देना है। अभी मान लो गाइस वाई वाले बटन को मुझे सेट करना है, तो मैं वाई जैसे ही प्रेस करता हूँ यहाँ पे वाई दिखाई देगा हमें। यहाँ पे जंप के लिए मैं इसे सेट कर रहा हूँ, तो ओके हो चुका है। यहाँ पे अभी आना है हमें सेव पर, सेव करेंगे तो सेव हो चुका है। अभी देख सकते हो गाइस मैं जैसे ही वाई प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर ये जंप कर रहा है, अभी देख सकते हो गाइस। तो आपको दिखाई दे रहा है ना गाइस, इस तरह से आपको सारे बटन सेट कर लेने हैं। तो देख सकते हो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से गेम खेल सकते हो आप। बहुत इजी है गाइस इस गेम पैड से गेम खेलना। तो चलो दोस्तों एक और गेम मैं आपको खेल के बता देता हूं। तो नेक्स्ट वाली गेम मैं खेलने वाला हूं ट्रैफिक राइडर। रेसिंग वाली गेम्स खेलने में बड़ा मजा आता है गाइस इस गेम पैड से, क्योंकि इसके अंदर डुअल शॉक वाइब्रेशन मोटर्स लगी है। तो इसके बटन अभी मैं सेट करके बताता हूँ गाइस। तो अभी मुझे ये दो बटन सेट करने हैं, ये एक्सेलेटर और यह है ब्रेक। तो अभी मैं प्रेस करता हूँ एक्स, एक्स मैं लेके आऊँगा ब्रेक पर। ओके तो ये सारे बटन से यहाँ से हटा देता हूँ गाइस। तो अभी यहाँ पे बी वाला बटन है, बी वाले बटन को मैं ले जाऊँगा। ये आ चुका है बी वाला बटन यहाँ पर, तो अभी इसे कर देते हैं सेव। ओ हॉर्न भी सेट करना है, यहाँ पे है हॉर्न, हॉर्न के लिए मैं ये वाला बटन सेट करूँगा, तो इसे यहाँ पे रख देता हूँ। तो चलो अभी सेव कर देता हूँ इसे। गाइज इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही बार सेट करना होता है, तो इसके अंदर ऑलरेडी सेव होकर रह जाते हैं आप जब भी गेम खेलते हो। तो चलो इसकी आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। तो देख सकते हो गाइस मैं तो गेम खेल रहा हूँ। ये है ब्रेक, मैंने ब्रेक लगा दिया। तो जैसे ही गाइस हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो इसके अंदर बहुत ही भयंकर तरीके से वाइब्रेशन भी आ रहा है यार, मेरे तो हाथ ही कांपने लग रहे हैं, उतना खतरनाक वाइब्रेशन है गाइस इस वायरलेस गेम पैड के अंदर। तो देख सकते हो मैं ब्रेक का बटन दबा रहा हूँ, तो अभी हॉर्न भी बजा के बताऊंगा, देख सकते हो। ओ भाई टकरा गया मैं तो। तो एक और बार खेल के बताता हूँ गाइस।
इस गेम पैड के साथ एस्फाल्ट गेम भी खेलना बड़ा मजा आता है गाइस। अगर आप इसे खरीदते हो तो एस्फाल्ट गेम जरूर से खेल के देखना। ओ तो चलो दोस्तों, अभी इस गेम पैड को मैं मेरे पीसी से कनेक्ट करके आपको GTA 5 गेम भी खेल के बताता हूँ। दोस्तों इस ब्लूटूथ रिसीवर को लगाना होगा हमें पहले पीसी के अंदर। यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो चलो खेलते हैं अभी GTA 5। तो गाइस ये जो गेम पैड है मुझे ठीक ठाक सा ही लगा, उतना भी बेस्ट नहीं है। अगर आप बेस्ट वाला गेम पैड खरीदना चाहते हो तो गाइस उसका प्राइस 2000 रुपीज होता है। उसका भी बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वो वाला गेम पैड भी खरीद सकते हो। वो आ जाता है रेड गियर की तरफ से। तो ये वाले जो बटन से गाइस बहुत ही घटिया किस्म के लगे। बाकी के सारे जितने भी बटन है बहुत ही टेक्टाइल है, बहुत ही जबरदस्त बटन है इसके अंदर। तो आप अगर इसे भी खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों मैंने, वहां से जाकर आप इसे खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शॉर्ट आउट। दोस्तों कल मैंने होली पिचकारी की एक बड़ी वाली वाटर गन की अनबॉक्सिंग की थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर से देख लेना। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है शुभम चौहान, श्रेयस, साई विकास, बिनू सिंह, कार्तिक, प्रत्युष, कमल सावले, कोमल, शंखा घोष, नक्श, श्लोक, एस के अरहान अली, अब्दुल रहमान, प्रीतम दीप, यथार्थ। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 15 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वाली वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।